कश्मीर के कई जिलों में किसान परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है, जिससे उनकी फसल और कटाई पर बुरा असर पड़ रहा है। ये हमारा रोजगार है और हम इसी से निकालते हैं, हमारी कमाई यही है और इन बच्चों को इसी से पालते हैं हम। और हमें थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब पानी की किल्लत है यहाँ पर और सड़कों की किल्लत है यहाँ पर। क्या वो मौसम की तब्दीली की वजह से वजूहत से यह है कि पानी नहीं आता है, पावर भी कमी है, इरिगेशन सिस्टम भी बेकार है, लोग परेशान हैं। 27 मई से पहले ये होना चाहिए, शाली की ठल जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं ठल, शाली ये 27 मई से पहले होना चाहिए। आज 12 जून हो गया, अभी तक पानी नहीं है हमारे खेत में। आप देखते हैं कि कितना परेशानी है जमींदारों को। खेती ही यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य जरिया है। किसानों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के बीज और सूखे में हो सकने वाली फसलों के बिना उनका भविष्य अंधेरे में है। गुजारिश ये है गवर्नमेंट से कि इस सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है कि जो क्रॉप वैरायटी है वो मतलब न्यू हमारी नहीं मिलती है, न्यूली जो मतलब हम कहेंगे ट्रांसजेनिक जो वैरायटीज़ है या मतलब जो अर्ली राइपनिंग वैरायटीज़ है या जो ड्राट रजिस्टर्ड वैरायटीज़ है वो हमें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ से क्या है कि हमारा यहाँ जो एग्रीकल्चरल ब्लॉक है, एग्रीकल्चरल ब्लॉक पे जो सीड हमें दिया जाता है वो सीड उतना उनको मुहैया नहीं मिलता होता है जितना कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। किसान सरकार से पुख्ता समाधानों पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। इसमें बेहतर सिंचाई सुविधा, अच्छी सड़कें और खेती के लिए वैज्ञानिकों की सलाह शामिल है। किसानों के मुताबिक इससे रोजगार की तलाश में पलायन करने की जगह वो खेती करना जारी रख सकेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।